मुजफ्फरपुर में निजी कंपनी के अभियंता को अपराधियों ने मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस। आए दिन मुजफ्फरपुर में आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं एक बार फिर अहियापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल ओवर ब्रिज पर बाइक सवार अपराधियों ने निजी कंपनी में कार्यरत अभियंता को गोली मारकर घायल कर दिया। अपराधी लूट के इरादे से आए थे, जहां इन्होंने अभियंता को गोली मारी, साथ ही बाइक और बैग लेकर फरार हो गए। अभियंता की पहचान सासाराम निवासी उज्जवल कुमार चौबे के रूप में हुई है, जो कि उत्तराखंड के प्रयागराज के विधायक के करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मामला प्रथम दृश्य लूट का लग रहा है। पुलिस आगे की जाँच में जुट गई है। मोटरसाइकिल से लौट रहे थे अपने काम से, किसी कंपनी में इंजीनियर है और हमारे विधायक है प्रयाग के विधायक हैं पीयूष रंजन जी, उनके रिश्तेदार हैं और लौट रहे थे कहीं, कोई अपना काम में कंपनी में काम करते हैं, लौट रहे थे और वही मेडिकल कॉलेज ओवर ब्रिज पर इनको गोली मार दिया है, मोटरसाइकिल भी छीन लिया है, बैग भी छीन लिया है। सूचना तो वहाँ के लोग ने उठाने का प्रयास किया, जो राहगीर था सो हम लोग को सूचना किया, उनके विधायक जी को सूचना हुआ, हम लोग को आया, हम लोग थाने प्रभारी को हमने सूचना दिया है कि आपके क्षेत्र में ऐसे ऐसे घटनाएं हो गई है, आपको पता है, तो तुरंत अपना जांच पड़ताल किए तो पता चला, तो उसको लेके और मेडिकल गए। मेडिकल में जो है कि उसका वहाँ इलाज होना संभव नहीं था, वहाँ से रेफर कर दिया, अभी माँ जानकी में आए हैं, इलाज उनका चल रहा है। हालत तो हम लोग जो पूछें डॉक्टर से ठीक ठाक बता रहा है, अब ऑपरेशन वगैरह होगा, लेकिन जो स्थिति है थोड़ा सा प्रशासन को इस वजह सक्रिय होके देखना चाहिए, करना चाहिए काम को। सरकार भी बड़ी सख्त है इन घटनाओं को लेकर, प्रतिदिन और तत्काल उन्हें SKMCH लाया गया और डॉक्टरों द्वारा उन्हें यहाँ पर रेफर कर दिया गया। उनकी हालत स्टेबल है अभी और प्रथम दृष्टया ये मामला लूट का लग रहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। प्रथम दृष्टया सर क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया लूट का मामला है और पुलिस सर कहाँ से कहाँ आ रहे थे सर? ये दरभंगा से यहीं के लिए आ रहे थे, मुजफ्फरपुर के लिए। कितनी गोली लगी है? गोली अभी एक ही गोली लगी है इनको, बाकी का डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, वो रिपोर्ट आएगी, उसमें मेडिकल रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। उसमें बाइक लग रही है, बाइक से थे ना? हाँ बाइक से थे इनकी, बाइक इनको ले गया, वही बता रहे हैं आपको कि लूट की घटना थी और प्रथम दृष्टया लूट का ही मामला लग रहा है। पहचान हुआ किसका? पहचान घायल का पहचान हुआ? हाँ घायल की पहचान है, इनका नाम उज्जवल चौबे जी है, जो मिठनपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहीं रेंट का मकान लेके रहते हैं। वरदान पे पब्लिक स्कूल जिले का जाना माना रिजल्ट ओरिएंटेड प्रीपरेटरी स्कूल आदर्श कॉलोनी यादव नगर भगवानपुर मुजफ्फरपुर DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल प्ले ग्रुप टू प्राइमरी स्कूल वेस्ट ऑफ महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज हीरानगर के नजदीक हाउसिंग कॉलोनी रोड मुजफ्फरपुर तीनी टोट SR सेकेंडरी स्कूल नर्सरी टू टेंथ प्रीपरेटरी सेंटर फॉर इंडियाज लीडिंग स्कूल आवासीय द्रोण प्रेम पब्लिक स्कूल भारत के ख्याति प्राप्त स्कूलों की तैयारी के लिए जाना जाता है। NH 28 बीबीगंज भगवानपुर मुजफ्फरपुर होलीक्रॉस इंटरनेशनल स्कूल CBSE अप टू 12th आदर्श लेन चैपमैन स्कूल रोड चर्च गेट के सामने हाथी चौक मुजफ्फरपुर एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन इज गोइंग ऑन। ओकवुड इंटरनेशनल स्कूल नर्सरी टू क्लास 10th CBSE करिकुलम PNB बैंक कैंपस पुरानी मोतिहारी रोड बैरिया गुलंबर मुजफ्फरपुर आनंद प्रे पब्लिक स्कूल एफिलेटेड विद CBSE न्यू दिल्ली अप टू 12th रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन मंसूरपुर चमरुआ रेवा रोड मुजफ्फरपुर आवासीय आनंद प्रेप स्कूल राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त विद्यालयों के लिए प्रीपेरेटरी स्कूल पुनौरा हाउस चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर रेसिडेंशियल डे स्कूलिंग डुमड़ी गोबरसही मुजफ्फरपुर RPS पब्लिक स्कूल CBSE एफिलेटेड अप टू 12 झपहा मुजफ्फरपुर बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस। UK इंटरनेशनल स्कूल CBSE करिकुलम क्लास LG से 10वीं तक JP कैंपस बैरिया ओल्ड मोतिहारी रोड मुजफ्फरपुर।